नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को शनिवार को दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की गई। वुडलैंड अस्पताल के डॉक्टर सरोज मंडल ने बताया कि प्रारंभिक एंजियोप्लास्टी में धमनियों में अवरोध का पता चला था। डॉक्टरों ने पाया कि सौरव गांगुली के 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज है। शनिवार को डॉक्टरों ने सौरव गांगुली की धमनियों में स्टेंट लगाया है। उनकी 3 धमनियों में अवरोध पाया गया था, जिसे हटाने के लिए स्टेंट दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें और स्टेंट दिए जाएं या नहीं, इसके बारे में उनकी हालत को देखकर फैसला किया जाएगा। डॉक्टर सरोज मंडल के मुताबिक अगले कुछ दिन उनकी हालत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आगे क्या करना है उनकी हालत देखकर ही तय होगा। उनके बाकी सभी अंग सही काम कर रहे हैं और अगले 3-4 दिन वो अस्पताल में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि गांगुली की हालत स्थिर है। उनके दिल में 3 ब्लॉक पाए गए थे और उन्हें दोहरी एंटी प्लेटलेट्स और स्टेनिन दिया गया है। Mr. Sourav Ganguly came in the morning. He was having a bit dizziness while he was gymming at home. And he had the family history of IHD. And then and when he came in, we did the investigations, like ECG, echocardiography. We started medications. We understood that there was a heart issue going on. So we took him to the cath lab. We did the primary angiography, followed by angioplasty. There are blocks in his heart, which is, it's already been treated and he's doing fine currently. The other 2 blocks, there are minor blocks in the other 2 arteries, which we will deal with it later. There is a team of doctors. So we have 3 cardiologists, Dr. Sharaj Mondol, Dr. Aftab Khan and Dr. S.B. Roy. Then we have 2 anesthetists, Dr. Ashish Patra, Dr. Paulash Nandi. We have critical care specialist, Dr. Shotik Panda. And we have cardiac surgeon Dr. Bhavatosh Bishwas. So it's a team of 7 doctors who's looking after him. जब दिल के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है या रुक जाता है, इससे दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। इससे पहले डॉक्टर ने बताया कि गांगुली अपने घर में बने जिम में ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए सीने में असहजता महसूस की थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि गांगुली के परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास रहा है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि उनके उपचार पर नजर रखने के लिए 5 डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है। अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जब उन्हें दोपहर को अस्पताल लाया गया तो उनके क्लिनिकल पैरामीटर सामान्य सीमा के भीतर थे। ECG और इको भी किया गया, वो उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गांगुली के हार्ट अटैक की खबर ने पूरे क्रिकेट जगत को जैसे सन्नसा कर दिया था। तमाम क्रिकेट दिग्गजों ने सौरव गांगुली के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए ट्विटर पर उनको शुभकामनाएं भेजी हैं। सौरव गांगुली के फैंस के साथ साथ पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब सौरव गांगुली फिट होकर वापस अपने उसी अंदाज में नजर आएंगे जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।